जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कहा कि जनपद के सभी दुकानों पर सैनिटाइजर का प्रयोग हो तथा सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उन्होंने सभी दुकानदारों को दुकानों में CCTV कैमरा लगाने के लिए निर्देश दिया, जिससे किसी तरह की घटना हो तो समय पर उसका खुलासा किया जा सके। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के समस्याओं को सुना तथा उनके समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में SSP दिनेश कुमार पी ने व्यापारियों से अपने वाहन को सही जगह पर पार्किंग करने की अपील की और कहा कि वाहन पार्किंग सही जगह पर नहीं होने से मार्केट में जाम लग जाता है, जिससे नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर SSP दिनेश कुमार पी, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, SP सिटी सोनम कुमार, SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम, व्यापारी नेता संजय सिंघानिया, आलोक चौरसिया सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, आपसे अभी चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कोरोना के संबंध में, थर्ड वेव के संबंध में जो एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी, तो सभी व्यापारियों को इससे अवगत कराना है आपको कि वो अपनी शॉप पर सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का प्रयोग सभी से कराएं, दुकानों में अननेसेसरी भीड़ एक साथ मत एंटर करने दें, उससे व्यापारियों की भी सुरक्षा और खरीदारों की भी सुरक्षा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीवन बहुमूल्य है। कोरोना से बचने की आपने अभी दिखाई है सेकेंड वेव में कितना लॉस सभी लोगों ने उठाया है, तो इसका रिपीटेशन ना हो तो इस विषय पर खास तौर से और आपके बेसिक जरूरतों और जो भी उसके संबंध में है व्यापक चर्चा भी नियम सर आपसे कर रहे हैं। दक्षिण में एक बार कोरोना काल जब हुआ था, जब लॉकडाउन लगना था, उससे पहले हम लोग एक मीटिंग हुई ग्राम व्यापारियों के साथ, वो बैठक हुआ, उसके बाद लंबा लगभग डेढ़ महीने ऊपर हो गया, 3 महीने लगभग हो गया, इस बीच में हम लोग कोई मीटिंग नहीं हुआ। हम लोगों ने आपसे मिला आने वाले समय अभी कम थे हमारे पास, तो आपसे चर्चा करके आपकी मन की बात लिए हम सुन लें। दूसरा सुरक्षा से संबंधित यानी एक अलग से हम फिर से करेंगे सारे व्यापारियों के बाद और थाने लेवल पे ऐसे लेवल पे भी होगा, जिले लेवल पे एक कार्ययोजना बन रहा है आपके, उसका राय भी लेना है आपसे, व्यापारी सुरक्षा व्यापारी सम्मान से संबंधित तो भी आप लोगों से अनुरोध है कि 1-to-1 द्वारा ये हमारे सभी ज्ञान मीटिंग में हो जाए, हम अकेला कभी भी बुला सकते हैं आपको, कोई इशू नहीं होगा। इन साहब की हमारी शेड्यूल अलग अलग अभी बिजी हो जाते हैं, इसलिए मैंने मौका इसका यूज़ किया कि हम लोग मिलकर एक बार मिल लेंगे, थोड़ा सा आपकी बातें हम लोग सुन लेंगे, फिर आगे की बात एक तो कोरोना अभी हमारी सुरक्षा जो मुख्य नहीं है, व्यापारियों को मौका देने और अपने संक्षिप्त में अपनी बात करते हैं। मैं अनुरोध करूँगा आपके व्यापार के साथ, मैं होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हूँ। सर आपने बहुत अच्छी बात कही व्यापारी सुरक्षा की, उसमें यूजली हम लोगों ने जो इससे पहले देखा था कि इसकी क्राइम भी था, और जैसे आपने बताया कि परिचय हो जाने से फिर काम बहुत आसान हो जाता है। आइडियली सर इसमें जैसे जितने भी व्यापारी संगठन हैं अगर हम लोग के बीच में एक ये कोई नंबर ऐसा सर्कुलेट हो जाए जो वन स्टॉप शॉप हो, यहाँ पे जैसे हेल्पलाइन टाइप का नंबर हो कि व्यापारी खासकर के सुरक्षा को लेके अगर कोई समस्या हो तो उस एक नंबर पे कांटेक्ट करें जहाँ से उसका निस्तारण हो। प्रोटोकॉल से उसका तो सर हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, और निजी तौर पर मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने प्रशासन की सहायता से टीकाकरण का भी सर एक काफ़ी बड़ा शुरू हुआ है, अगर हमें कभी भी अनावश्यक
परिसर बनाया और ये नरक मंदिर इसको दिलाना, उसे भी सिस्टम के तहत ही लड़ने इसको दिलवाया तो मेरे घर में रिश्तेदारी होगा। इसे कुछ आगे जो उसी पहले उसी डायरेक्शन में कर दें ताकि आप लोग यार आप ही लोग ही तो बचाए, बहुत लोग जान लोग तो आप कहने की जरूरत नहीं करेंगे, बस ये तो अनुरोध आपसे ही है। लेकिन नकली दवा आने को दीजिए ताकि अंदर जरूर में बहुत सारे नकली पैकेट चले थी यहाँ पर। ऐसे कुछ इस समय में देखिए जान बचाने के लिए आपकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है, बेचारा कहीं जेवर बेचेगा जमीन बेचेगा जो भी उसका नाजायज फायदा होता है करके वो जान ले जाने वाले पर, उसका नकली दवा आने पर दीजिए, रेट का कंट्रोल करिए। तीसरा जो मेन चीज़ आप बुलाए तो सुरक्षा के बारे में व्यापारी के साथ डीजीपी महोदय के निर्देश अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार मीटिंग की गई है, उनकी समस्या सुनी गई है और जहां पे कोई कमी है उसका सुधार करने के भी आश्वासन दिया गया है।